दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मेकर करण जौहर अपने चर्चित चैट शो कॉफी विद करण में नए सीजन के साथ वापस आ चुके हैं। बीते हफ्ते शुरू हुए इस शो का पहला एपिसोड काफी धमाकेदार रहा। शो के सातवें सीजन के पहले एपिसोड में बतौर मेहमान नजर आए थे रणवीर सिंह और आलिया भट्ट। इस दौरान करण जौहर के साथ उन्होंने जमकर मस्ती की। बता दें कि करण जौहर इन दिनों अपने शो के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। इस सिलसिले में एक इंटरव्यू में करण ने सारा अली खान और कार्तिक आर्यन के रिश्ते को लेकर चर्चा की है। ऐसे में अब सार्वजनिक तौर पर अपने रिश्ते को लेकर इस तरीके की चर्चा पर सारा अली खान करण जौहर पर नाराज हो गई है। हाल ही में सामने आई खबरों के मुताबिक करण जौहर द्वारा कार्तिक और सारा के रिश्ते को लेकर हुई चर्चा से वे काफी नाखुश हैं। दरअसल बॉलीवुड में अपने डेब्यू से पहले सारा अली खान अपने पिता सैफ अली खान के साथ कॉफी विद करण के छठे सीजन में आई थी। इस दौरान उन्होंने ये कहा था कि वो कार्तिक आर्यन को डेट करना चाहती है। वहीं कार्तिक भी इन खबरों को सुनकर काफी शर्मा गए थे। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद से ही कार्तिक और सारा के रिश्ते की शुरुआत हुई। दोनों अक्सर साथ में नजर आने लगे। हालांकि दोनों में से किसी ने अपने रिश्ते को लेकर किसी भी तरीके की कोई बात सामने नहीं कही है। ऐसे में करण के द्वारा उनके रिश्ते को लेकर बात करने से सारा काफी नाराज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात से वो बिल्कुल खुश नहीं है कि करण उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पब्लिकली इस तरीके की बात करें। एक्ट्रेस चाहती है कि दर्शक इस समय सिर्फ उनके करियर ग्राफ पर फोकस करें। वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने के लिए काफी मेहनत कर रही हैं। ऐसे में उनकी पर्सनल लाइफ की बातें लोगों का ध्यान भटका सकती है, जो सारा बिल्कुल नहीं चाहती है। बता दें कि सारा अली खान और फिल्म मेकर करण जौहर एक दूसरे के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस इस सीजन शो में शिरकत करने वाले मेहमानों की लिस्ट में भी शामिल है। सामने आए शो के ट्रेलर में सारा कार्तिक का मजाक उड़ाते और ताना मारते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही सारा ये भी कह रही हैं कि वो सभी के एक्स हैं। दरअसल सारा अली खान के अलावा कार्तिक आर्यन का नाम जाह्नवी कपूर और अनन्या पांडे से भी जुड़ चुका है। फिलहाल करण के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लेकर बताएं।